WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से इस सदस्यता को रद्द किया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर दिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और UWW ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो ये सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यही हुआ, पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि WFI उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण भुसर थे, लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि प्रभूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। और अब उसका परिणाम देश के सामने है, 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में, और कोई कैंप कुश्ती का नहीं। ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है, कोई कैंप कुश्ती का नहीं। और आज ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ, पहली बार प्रतिबंधित हुआ है, और शीघ्र ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर के तले, या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के बैनर तले, या एशियन गेम्स में इंडिया के नाम से कोई रेसलर कुश्ती नहीं लड़ सकता है। ये हमारे देश का और के लिए भी दुर्भाग्य है और पहलवानों का भी दुर्भाग्य। चुनाव नहीं हो रहा है और फिर जिस तरह से 7 महीने से बच्चे को गोलियां बच्चे हैं, जिस तरह से परेशान है, तो इसको जिम्मेदार इसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 खिलाड़ी। सबको पता है बजरंग विनय साक्षी, सबको पता है, और तो सब वापस चले गए और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूं कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन, हमारा समर्थन। कुछ खिलाड़ियों का आरोप है कि कारण आप बने, कैसे उनका ये आरोप है, कैसे 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 कैसे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मीडिया से, कैसे मैं कारण बना। मैंने मैंने खेल मंत्रालय के कहने पर अपने आप को कुश्ती से अलग कर लिया, जांच हमारी कर ली जाए इसकी मैंने सहमति दिया, अध्यक्ष पद से मैंने विरक्त कर लिया, मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है, मैं वोटर नहीं हूं। लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मैं छोड़ दूं तो ये तो संभव नहीं है। और वो कौन होती है तय करने वाले कि अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष जो देश की फेडरेशन है वो तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अब उन लोगों का एक कैंडिडेट आया है, एक कैंडिडेट और है जो बनारस के रहने वाले हैं, दोनों के बीच में मुकाबला होना है, जिसको देश की फेडरेशन जाएगी वो चुनाव जीतेगा। वो कौन होते हैं कहने वाले, उसका जिम्मेदार टोटल ये धरना जीवी खिलाड़ी है जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक। ममता बनर्जी ने कहा है कि आप रहते हुए जूनियर खिलाड़ियों जब ममता बनर्जी को शायद तक नहीं मालूम है, सब लोगों को इतना गहराई से तक नहीं मालूम है, मैं जनवरी महीने से ही अलग हूँ फेडरेशन से, जनवरी महीने से अलग हूँ फेडरेशन से, और मैं ना प्रत्याशी हूँ ना मेरे परिवार का कोई प्रत्याशी है, वोटर भी नहीं हूँ, तो इसमें मेरा रोल क्या है। अब वो देश के हर आदमी को कहते हैं वो ब्रह्मशरण सिंह का आदमी है, ये कैसे रोक लोगे आप।